हम किसी खतीब से नहीं पूछेंगे, किसी नकीब से नहीं पूछेंगे, किसी मुफक्किर से नहीं पूछेंगे, किसी मुअर्रिख से नहीं पूछेंगे, खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून रजी अल्लाह तआला अन्हा से आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहते हैं। ए नबी की माँ, आपका लाडला हम सबका नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुछ खूबियाँ बताए, नबी की सीरत बताए। खुद नबी की माँ आमना खातून फरमाती है कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया तो मक्के की वादी में जब मैं गुजरने लगी, पहाड़ियों से गुजरने लगी, शजर हजर से गुजरने लगी, तो पहाड़ियों से शजर हजर से मक्के के सर्रे सर्रे से मेरे बेटे का नाम लेके सलातो सलाम की आवाज आती थी। और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। ए बीबी आमना खातून, और कोई नबी की खूबी और सीरत बताइए ना, तो नबी की माँ आमना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछो, अरे मक्के की औरतों से पूछो ना, आलमे तखय्युल में मैं सवाल करना चाहता हूँ, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, आप सब बताओ। तो मक्के की औरतें बयान करती हैं कि हम सब बाल्टी ले लेकर कुएं के करीब जा रहे हैं पानी निकालने के लिए। एक औरत जाई गई खड़ी हो गई, दूसरी गई खड़ी हो गई, तीसरी गई खड़ी हो गई, चौथी पांचवी गई खड़ी हो गई। मैंने पूछा मक्के की औरतों कुएं के करीब गई हो, पानी क्यों नहीं निकाल रही हो? तो अपना खातून के जवाब अपना खातून के हिमायत में जवाब देती है मक्के की औरतें, ए दुनिया वालों आमना आएगी तो पानी निकालेंगे, आमना आएगी तो पानी निकालेंगे, आमना आएगी तो पानी निकालेंगे। ए मक्के की औरतों आमना खातून का इंतजार क्यों कर रही हो? अरे जवाब सुनो मुसलमानों, मक्के की औरतों ने जवाब दिया, आमना खातून कुएं के करीब आती है तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अरे बाबा बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सीरत रसूल अकरम, फरमाते हैं क्या कहते हैं, तवाफ करता था कभी रात में, कभी दिन में, कभी सुबह में, कभी शाम में। आज मैं तवाफ कर रहा हूँ, तारीख रबीउल अव्वल की है, 12 तारीख है, वक्त सुबह सादिक का है, दिन सोमवार पीर का है, और मैं जैसे ही पहला तवाफ मुकम्मल किया अचानक मेरी नजर काबे पे पड़ी, काबा वक्त में झूम रहा है, कभी दाया कभी बाया कभी आगे कभी पीछे, मैंने अपने कदम को पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी, तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी वक्त में आ गया है, झूम रहा है, मैं घबरा उठा, दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई बेटी आमना, काबे को क्या हो गया, मकाम इब्राहिम को क्या हो गया, काबा भी वक्त में आ गया है, मकाम इब्राहिम भी वक्त में आ गया है। आमना खातून नबी की माँ फरमाती है, दादा जान आज के बाद ना काबा वक्त में आएगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम वक्त में आएगा। नबी के दादा फरमाते हैं, ए बेटी आमना आखिरकार नबी के नबी की माँ आमना खातून फरमाती है, दादा जान जिसके लिए काबा वक्त में आया है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम वक्त में आया है, वो मेरा लाडला बेटा और आपका प्यारा पोता पैदा हो। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वाह 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 वाह। आपकी दुआ है डॉक्टर साहब की दुआ, हमारे उलमा की दुआ है, पूरे मुल्क में बोलता हूँ, बोलने की ख्वाहिश नहीं है, मैं आप लोग इतनी देर बैठे हैं, मैं सोचा कि कुछ सुना दूं, है कि नहीं, वरना फोन कीजिएगा जलसा के लिए, तब दिमाग समझ में आए, है ना भाई, बोलो हक बात है, हक बात है, बोले तो दो तीन सूरत सीरत सुना देंगे, छोड़ दे, अरे बोलो ना भाई, हां भाई बात बैठ जा, तड़प के बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दादा उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुनो, सरकार के दादा, सरकार के दादा और अपने दोनों हाथों को उठाया नबी के दादा ने और इसे सर पे रखा और तीन दफा कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। नबी की सीरत का जब मैंने मुताला किया, आलम तखय्युल में पूछा नबी के दादा क्या समझ गए, जवाब सुनो जवाब, नबी के दादा ने कहा यही समझ गया कि जिसके लिए काबा वक्त में आया है
जिसके लिए मकाम इब्राहिम वजद में आया है, पता चल गया काबे से भी अफजल, मकाम इब्राहिम से भी अफजल पैदा होने वाला हमारा होता है। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरादा किया नूरे नजर लखते जिगर प्यारे पोते का दीदार करो, पहला कदम उठा, दूसरा कदम उठा, तीसरा कदम उठा, अचानक नौजवान हसीनो जमील नौजवान सरकार के दादा के सामने आके खड़े हो गए और रास्ता रोक दिया। नबी के दादा ने कहा नौजवान रास्ता क्यों रोक रहा, दादा मैं पोता मेरा घर मेरा तू रास्ता रोकने वाला होता कौन है। नौजवान ने जवाब दिया माना कि अब खाने काबा के मुखबली हैं, जब पैदा जब बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा है, मगर मैं आया नहीं हूँ भेजा गया। क्या कहना, अरे तड़प तड़प भेजा गया हूँ। नबी के दादा ने कहा है कौन भेजा किसने, जवाब सुनो मुसलमानों सुनियो। उस नौजवान ने कहा भेजा है अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। सुभान अल्लाह और तड़प के सुभान अल्लाह। सरकार के दादा ने कहा जिब्रील रास्ता रोके क्यों, जवाब सुनिए पूरी रात जो जगे हैं मैं सबक दे के जा रहा हूँ। क्या कहना, हजरत जिब्रील ने जवाब दिया ए अब्दुल मुत्तलिब माना के जो बच्चा पैदा हुआ हुआ पोता है, जो बच्चा पैदा हुआ अमना का बेटा है, मगर अमना का बेटा बाद में होगा, आपका पोता बाद में होगा, जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। आए, आए, आए। वाह 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 वाह, क्या लतीफ अल्लाह ये कसम फरमा रहा है कि महबूब मेरा हो और कोई दुनिया वाला देखे ए जिब्रील का और दुनिया वाले को बता दे कि महबूब मेरा पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे फिर दुनिया वाला दीदार करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के दादा ने कहा बेटी हम ना मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम सबसे पहले मैं रखूं। नबी की माँ अमना खातून रोने लगी। सरकार के दादा ने फरमाया बेटी अमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। ए बेटी अमना मत रो, ए बेटी अमना सुन, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं ना तेरे को तो एक नाम तू रख ले, मैं रख लेता हूँ, मगर रो मत बेटी। रोते रोते बीबी आमना खातून नबी की माँ ने जो जवाब दिया था सुनियो, जवाब सुनो। आमना खातून ने फरमाया दादा जान आपका नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी, जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए सात नाम माता किए और चले गए। तड़प के बोलो तड़प के बोलो। नबी की माँ ने फरमाया सात नाम जिब्रील ने अता किया चले गए। नाम सुनिए इस महूफिस समा महमूदुन फि तौरात अलहादी फि ज़बूर अलमुतअम्मिद फि इंजील अहमद फि कुरान यासीन ताहा मुहम्मद। ये सात नाम हजरत जिब्रील ने अता फरमाया, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो नाम किसी और, महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। ने कहा मौलाना रईस ने कहा लेकिन वो ना वक्त है ना वो अच्छे हालात हैं, जिंदगी सलामत रही मैं कुछ साल तक बचा रहा, आप लोग भी बचे रहे और मोहब्बत अंगड़ाई ले कभी आवाज देंगे तो इंशाल्लाह तकरीर सुनाएंगे।